नमस्कार, यस टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तानिया और आज का दिन बहुत ही पावन है, बहुत ही शुभ है। आज है रामनवमी जो हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। तो ऐसे में आज का दिन बहुत ही खास है भारतीय इतिहास के अनुसार भी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी। माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने रावण के दुराचार को मिटाने के लिए आज ही के दिन भगवान राम के रूप में इस धरती पर जन्म लिया था। कहा भी गया है, नवमी तिथि मधुमासा पुनीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। इस श्लोक में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शांति व धर्म को बनाए रखने के लिए भगवान श्री राम ने इस दिन पर जन्म लिया था पृथ्वी पर। रामनवमी इस बार 25 मार्च को इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि इस बार नवमी तिथि का क्षय हो गया है, इसीलिए अष्टमी के तुरंत बाद नवमी रामनवमी मनाई जा रही है, जिस दिन व्रत उपवास के बाद पूरे 8 दिन बाद लोग अपना व्रत खोलते हैं और उसके बाद कन्याओं का पूजन कर उनको भोजन कराते हैं और इसी के साथ इस उपवास की समाप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन राम कथाओं का पाठ करने से बहुत ही ज्यादा मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। तो ऐसे में रामायण का पाठ बहुत से लोग आज के दिन करते हैं और यदि आप रामायण का पाठ कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ नियम और कानून बताए गए हैं कि किन नियमों के अनुसार आपको ये पाठ करना चाहिए। पवित्र भाव से हाथ पैर धोकर आप 9 बार बैठकर श्लोक ही रामायण का पाठ करें, इससे आपकी मनोकामनाओं की सिद्धि तुरंत होगी। तो यह थी रामनवमी की आज के बारे में जानकारी। साथ ही साथ जाते जाते आपको यही कहना चाहूंगी कि कोई भी दिवस हो, कोई भी पर्व हो या फिर कोई भी ऐतिहासिक महत्व रखने वाला दिन, सभी की जो सार्थकता है वो तभी होगी जब हम जीवन में सत्य को उतारेंगे, जीवन में सार्थकता लाएंगे। तो इसीलिए जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था बुराई के ऊपर विजय पाने के लिए, ऐसे ही इस जन्म में भी हम सभी का कर्तव्य है, सभी मनुष्य को कर्तव्य है कि वो बुराई को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाएं और अपनी आवाज उठाएं किसी भी बुराई के प्रति। नमस्कार।